गुड मॉर्निंग दोस्तों, देश विदेश जॉब वाला यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है ख़ास तौर पर उनके लिए जो इलाहाबाद रहते हैं, मतलब प्रयागराज रहते हैं। आज सुबह 10 बजे से जो है आपका प्रयागराज में नंद किशोर सिंह प्राइवेट ITI है, वहाँ पे रोज़गार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग भी भाई लोग ये हमारा वीडियो इलाहाबाद से देख रहे हैं, प्रयागराज से देख रहे हैं, ठीक है, वो लोग आज इंटरव्यू दे के जॉब पा सकते हैं। प्रमुख कंपनियां जो आ रही हैं, सबसे पहले तो आपका सुजुकी मोटर्स आ रही है। सुजुकी मोटर्स में जो है 21,500 तक CPC सैलरी है। ठीक है, उसके बाद जॉब लोकेशन जो है उसका गुजरात रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका इसमें जो है क्वालिफिकेशन ITI होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ITI होनी चाहिए, और आपकी उम्र जो है 18 साल से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, 18 साल से 26 साल, सॉरी। ठीक है, मिनिमम 18, मैक्सिमम 26। और उसके बाद आपका रिलायंस आ रही है, उसके बाद एक कंपनी है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है ये। ठीक है, ITI डिप्लोमा वगैरह के लिए रहती है, और इसमें भी ठीक ठाक सैलरी है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, स्विचेस वगैरह हो गए, स्विच बोर्ड्स हो गए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके बाद फिर आपका रिलायंस आ रही है, सोडेक्सो करके कंपनी है वो आ रही है, जो लोग BTEC किए हुए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से उनके लिए गैब्रियल इंडिया लिमिटेड है, इनकी जॉब लोकेशन शायद कर्नाटका रहेगी। ठीक है, और उसके बाद आपका अपोलो APL स्टील पाइप्स करके एक कंपनी है, उसमें भी डिप्लोमा और ITI वालों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिपार्ट्स ग्रुप करके एक कंपनी है, जिसमें डिप्लोमा के लोगों के लिए रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे तो और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिनके लिए इंटरव्यूज़ होंगे। हीरो होंडा मोटर्स है शायद, और इसी तरह के और भी नामी गिरामी कंपनियाँ हैं। विजन इंडिया सर्विसेज है, विजन इंडिया सर्विसेज में आपको टेलीकॉलिंग्स वगैरह की जॉब रहेगी। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आएंगी वहाँ पे रोज़गार के लिए। तो जो लोग भी प्रयागराज में रहते हैं, ठीक है, सुबह 10 बजे से ये नंद किशोर सिंह प्राइवेट ITI में ये रोज़गार मेला होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके आने होंगे उसके बारे में बता देते हैं। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी ओरिजिनल, साथ साथ फोटो कॉपी, 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BTEC या जो भी क्वालिफिकेशन है आपकी, सारी क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की मार्कशीट्स वगैरह की फ़ोटो कॉपी। ठीक है, बैंक का कोई डॉक्यूमेंट, चेक या पासबुक, ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटो कॉपी। और उसके बाद फिर आपका 5-6 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रख लेंगे। ठीक है, ये जो जॉब फेयर है, इसकी डिटेल जानने के लिए आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.justjobco.in, उस पर क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट के ऊपर देखेंगे एक जगह लिखा रहता है जॉब फेयर। जॉब फेयर पे क्लिक करेंगे तो नीचे आगामी जो भी जॉब फेयर्स होने वाले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, कहाँ पे होने वाले हैं, और वहीं पे देखिएगा प्रयागराज लिखा रहेगा और नीचे लिखा रहेगा नंद किशोर सिंह प्राइवेट ITI जॉब फेयर 19 अप्रैल 2024। आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा जितनी भी कंपनियां हैं जो जॉब फेयर में आने वाली हैं। ठीक है, तो वो लिस्ट शो करेगी कौन कौन सी जॉब्स हैं उस जॉब फेयर में, वो सारी लिस्ट जो है आपको शो करेगी। तो एक बार बता देते हैं आपको, जो नंद किशोर सिंह प्राइवेट ITI है, ये आपका प्रयागराज में नैनी में पड़ता है। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप वहीं रहते हैं प्रयागराज में। ठीक है,
तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी को जॉब पाने की, जो लोग बेरोजगार हैं, आईटीआई किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन हो आपकी, सभी के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। तो ये जो जॉब फेयर है मिस मत कीजिएगा, आज सुबह 10 बजे से है, ठीक है, नंद किशोर सिंह प्राइवेट आईटीआई नैनी प्रयागराज, ठीक है। तो बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता है, रोज़ रोज़गार मेले नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी को जॉब्स पाने के लिए, ठीक है। तो जस्ट जॉब को डॉट इन पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिएगा। उस वेबसाइट पे आप जाओगे तो थोड़ा बीच में नीचे देखेंगे तो लिखा रहेगा जॉब सीकर रजिस्ट्रेशन नाउ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल के आएगा, उसमें अपना नाम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन ये सब सबमिट कर देंगे। उसके बाद एक जगह वहाँ पे मोबाइल नंबर की डिटेल डालनी होगी, तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो ओटीपी आएगी आपके मोबाइल पे, ओटीपी आप सबमिट कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पे आप ओटीपी आएगी, उसके बाद आप ओटीपी डाल के अपना ईमेल आईडी भी वेरीफाई करा लेंगे। उसके बाद फिर देखिएगा फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उस जॉब पोर्टल जो है जस्ट जॉब को डॉट इन, उसमें बहुत सारी जॉब्स वगैरह हमेशा अपडेट होती रहती हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो भी जॉब्स जो हैं आपके क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से मैच करती हो तो वो जॉब्स जो है आप उस पर अप्लाई करेंगे, तो आपको कॉल्स वगैरह आएंगी, ठीक है, कब जॉब इंटरव्यूज होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, नई नई जॉब्स जो है हमेशा अपडेट होती हैं, ठीक है। तो आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। लास्ट में जाते जाते फिर से याद दिला देते हैं, आज ही सुबह 10 बजे से प्रयागराज में नंद किशोर सिंह प्राइवेट आईटीआई, जो कि नैनी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। तो जो भी भाई लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, अगर प्रयागराज में रहते हैं, बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, ठीक है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, रिज्यूमे, ठीक है, बैंक के कोई डॉक्यूमेंट, 4-5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आज पहुँच सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।